अरब सागर में सोमालिया के तट के पास नौसेना ने एक हाईजैक हुए जहाज से बचा लिया। सोमालिया में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी खबर लगते ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंडियन नेवी कंटिन्यूज टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रोवेस ऑन द हाई सीज विद द सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑफ 17 क्रू मेंबर्स फ्रॉम एन ईरान फ्लैग्ड फिशिंग वेसल MV इमान which had been hijacked by Somalian pirates. We thank Indian warship INS Vishakhapatnam. We had actually lost the hope that we won't be able to fight this fire, but these guys were really tough. We are very careful ki ye jang jo hai isse mazid aage na nikal jaye. कहा जाता है कि मार्कोस समुद्री डाकुओं के लिए यमराज से कम नहीं, क्योंकि ये मारते नहीं बल्कि अपने दुश्मन को पानी में घोल कर पी जाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कि होती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था और जब इन्होंने उस पे उनके उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे ममालिक पीछे हट गए थे। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। करते धरते हैं उनकी तवज्जो नहीं है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे। अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे, तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें आप हमारे हालात देख लें कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास डॉक्टर जयशंकर के होती इसको नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ हफ्ते पहले हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि भारत हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है दोस्तों कि हिंद महासागर में जितनी भी लीगल शिप्स आएंगी, लीगल शिप्स की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। और दोस्तों ईरान जो कि हूतीज के माध्यम से, या ऐसा माना जाता है कि जो हूतीज हैं वो प्रोक्सीज हैं ईरान के, उनके माध्यम से सबको डिस्टर्ब करता रहता है। लेकिन दोस्तों ईरान के शिप पे सोमालियन पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों ने हमला किया ईरान की शिप पे, और ईरान की रक्षा कौन करेगा, सब तो ईरान से तपे पड़े हैं। तो भारत ने ईरान की शिप की मदद की, सोमालियन लुटेरों को मार भगाया। मार्कोस कमांडो आप लोगों को पता है, फिर एक बार जहां पहुंच जाते हैं शिप के आसपास तो आतंकवादी और लुटेरे तो पहले ही भाग जाते हैं। तो जिस तरीके से ईरान के शिप को भारत ने बचाया, ईरान की तरफ से धन्यवाद आया, और भारत ने एक बार फिर से बता दिया कि अब हिंद महासागर में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है कहीं से भी, तो भारत सबसे पहले सिक्योरिटी देने वहां पे आएगा। और एक तरीके से इसी के साथ हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा था, तो अब उसको डोमिनेट करने के लिए भारत तैयार है, तो पाकिस्तानियों की उस पे जली पड़ी आप लोगों के सामने। जंगे विल के साथ लड़ी जाती है चीमा साहब, आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। आप आज कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे ईरान को, और ईरान क्या है आपको पता होना चाहिए कि ईरान क्या है। ईरान का इन्फ्लुएंस इस वक्त कितना, बहुत मिडिल ईस्ट के अंदर कितना बढ़ चुका है आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूं, ईरान को बनाया गया है, इन्होंने बनाया है। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जो जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन लोनाडा है, समथिंग लाइक दैट, उस पर हमला हुआ और उसकी जो डिस्कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और ये हूतीज ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है वो US सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसकी जब इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेंस हैं, सी लेंस हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़
रखे हैं और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाकया है इस महीने और इस वाकये के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी, तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीस का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज साइलेंट हैं, अमाराती साइलेंट हैं बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीस की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है, जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है सुनने में ही आ रहा है, क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है, ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बनना चाह रहा है, ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। जिस रीजन में इंडिया है, ठीक है जी, या जो इंडियन ओशन रीजन जो है, ऑब्वियसली ये कोई होमोजेनियस एरिया नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं यहाँ की अपनी या डिफरेंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, डिफरेंट माशरे हैं, मज़ाहब अलहदा हैं, कल्चर अलहदा हैं, एथनीसिटीज अलहदा हैं और एक खिता नहीं है। आप देखें मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर इंग्लिश एंटिटीज़ हैं, अफ्रीकन एंटिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है। आप इसमें कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर वसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है, कैसे करना चाहता है? कोई मर्चेंट वैसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है, वाई इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा, ठीक है ना जनाब। ये क्वेश्चंस हैं और जारी बात है इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब ईरान अपना, आपको पता है एक अपने अंदर एक पूरी की पूरी पावर है, ठीक है जी। इंडिया और ईरान के आपस में क्या, जिसे कहते हैं ना, लिंकेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, इंडिया और ईरान का क्या एक मौक़िफ़ है इन चीज़ों के ऊपर, ये एक सवाल है। दोनों मुल्क क्या कर सकते हैं, इंडिया और ईरान क्या नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और ईरान वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन इन द रीजन। इंडियंस विल नॉट अनॉय अमेरिका, पहले भी बड़ा अनॉय कर चुके हुए हैं। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तो दोस्तों, भारत जो है, पहले माना जाता था कि भारत की सेना बहुत मजबूत है, था भाई, हमेशा हमने जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने कई जंगें की हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज हो गई तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने ही हमारे आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आप लोग को पता है ना, पास्ट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही हमारे आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी सेनाओं को छूट मिली हुई है कि देश के रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के गर्व के लिए अगर भारतीय सेना को किसी भी हद तक जाना पड़े तो उनको तैयार रहना पड़ेगा। ये वाली बात चले गई, नो फर्स्ट यूज, नो ये, नो पहले हम नहीं करेंगे, हम तो एकदम जो है गांधी जी के देश वाले हैं, हम हमला, एक कोई थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, ये वाला जमाना गया भाई। आधुनिक दुनिया में इस विचारों के साथ कोई भी आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता कि एक थप्पड़ मार दो तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, गांधीवादी विचारधारा। मैं मानता हूँ समहाउ कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की बातें अप्लाई होती हों, लेकिन ये बातें तो आधुनिक दुनिया में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ठीक है। इसीलिए भारतीय नेवी, हमला किसी और के शिप पे हुआ लेकिन भारतीय नेवी चली गई बचाने, और एक बार नहीं कई बार। आप लोग को मतलब अभी अभी में ही कई रेड सी में वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमला किसी और के मर्चेंट नेवी पे हुआ लेकिन भारत अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरफ तय जाता है और सबसे पहले मदद करता है। क्यों? ताकि भारत एक ये श्योरिटी दिला सके उन सभी देशों को कि हिंद महासागर के नाम पे
भारत का नाम है हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर का जो प्रभुत्व है, जो सिक्योरिटी का जो एक जिम्मेदारी है, वो भारत अपने कंधों पे लेता है, और ये बहुत बड़ी बात है। हिंद महासागर से काफ़ी बड़ी ट्रेड होती है। अगर यहाँ पे भारत इतना एक्टिव रहता है, भारत का प्रभुत्व रहता है, तो भारत के लोगों के लिए ये बहुत रिस्पेक्ट और गर्व की बात होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।